दोस्तों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिल चुकी है, जिसके जरिए भारत अब अंतरिक्ष में ज्यादा बड़े और शक्तिशाली सैटेलाइट को लॉन्च कर सकेगा। साथ ही इससे भारत को यह भी क्षमता मिलने वाली है कि हम एक ही बार में कई सारे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सकेंगे, जिसके तहत भारत को जिस क्षेत्र में सफलता हासिल हुई है वह भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल दोस्तों, भारत ने अपने सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल यानी कि LVM3 के इंजन का एक नया और सफल परीक्षण किया है, जिसने इस रॉकेट की क्षमता को पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। और अब भारत ज्यादा वजनी सैटेलाइट को भी अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजने की क्षमता को विकसित कर पाएगा, जो कि हमारे स्पेस प्रोग्राम के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, LVM3 के इंजन के नए परीक्षण के बाद भारत अब सफलतापूर्वक इस रॉकेट की पेलोड कैपेसिटी को 450 किलोग्राम से बढ़ा सकेगा। यानी कि जहां यह रॉकेट पहले 4000 किलोग्राम का वजन लेकर अंतरिक्ष में जाने में सक्षम था, अब ये लगभग 4500 किलोग्राम का वजन अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम होगा, जो कि हमारी क्षमता में काफी बड़ा इजाफा है। LVM3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भारत का सबसे शक्तिशाली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसके दम पर भारत अभी तक 4000 किलोग्राम तक वजनी सैटेलाइट को भी अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित कर सकता था। लेकिन अब इस नए परीक्षण के बाद भारत की क्षमता में काफी बड़ा इजाफा हुआ है, जिसके तहत भारत अब एक बार में ज्यादा संख्या में सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकेगा। इसरो विश्व की कुछ सबसे उन्नत और सक्षम स्पेस एजेंसियों में से एक है, जिसके पास जटिल से जटिल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित करने की क्षमता मौजूद है। वहीं इसरो के पास ये क्षमता भी मौजूद है कि हम एक बार में कई सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर सकते हैं। और अब इस नए परीक्षण के बाद भारत की इन सभी क्षमताओं में काफी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। सैटेलाइट या फिर अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले किसी भी उपकरण का वजन काफी मायने रखता है, क्योंकि जब धरती से एक रॉकेट किसी सैटेलाइट या फिर अंतरिक्ष उपकरण को स्पेस में लेकर जाता है, तो उसके लिए उसे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें जब कोई रॉकेट ओजोन लेयर को पार करता है तो उस वक्त उस पर काफी भारी दबाव पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी तरफ खींचता है। ऐसे में रॉकेट का मजबूत और ज्यादा शक्तिशाली होना काफी महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सैटेलाइट या फिर उपकरण के वजन की वजह से और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से रॉकेट पृथ्वी के वातावरण को पार नहीं कर सकेगा और तबाह हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट को लॉन्च करना कितना जटिल प्रक्रिया है, और इसमें भारत ने महारत हासिल कर ली है। वहीं इसके साथ ही भारत अपने नए परीक्षण के दम पर अपने रॉकेट और लॉन्च व्हीकल की क्षमताओं को भी लगातार बढ़ा रहा है, ताकि भविष्य में जब हमारी जरूरत बढ़ेगी तब हम उन्हें पूरा कर सके, जो कि भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए काफी अच्छा कदम है। इसके अलावा जिस तरह से भारत अपने अंतरिक्ष की क्षमताओं का विकास कर रहा है और भारत की प्राइवेट कंपनियां भी लगातार स्पेस सेक्टर में निवेश कर रही है, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आने वाले कुछ ही सालों में भारत अंतरिक्ष से काफी सारा रेवेन्यू जनरेट करने वाला है। जिसके तहत हाल ही में निकल कर आई एक रिपोर्ट के हिसाब से 2025 तक ही भारत की स्पेस इकोनॉमी $13 अरब तक पहुंच जाएगी। रेफरेंस के लिए आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे में भारत भविष्य में सैकड़ों की संख्या में नए सैटेलाइट और दूसरे अंतरिक्ष उपकरणों को लॉन्च करने वाला है, जिसके लिए भारत के पास काफी शक्तिशाली और भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल होना काफी जरूरी है, जिसके तहत भारत काफी तेजी से काम भी कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले भारतीय साइंटिस्टों की मेहनत और सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दरअसल भारत चीनी सीमा तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए और नॉर्थ ईस्ट इलाके में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए काफी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, जिसके तहत भारतीय रेलवे अपना विस्तार करेगी और नॉर्थ ईस्ट में काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाएगा, जो कि भारत के लिए स्ट्रेटेजिक महत्व रखेगा। दरअसल अभी तक भारतीय रेलवे ने उत्तर पूर्वी इलाकों और राज्यों में ज्यादा विस्तार नहीं किया है, जिसकी वजह से इन राज्यों तक हमारे दूसरे स्टेट्स की कनेक्टिविटी सही तरह से नहीं बन पाती है। और अब भारत अपनी इसी कमी को दूर करने वाला है, जिसके तहत एक काफी बड़ी योजना बनाई गई है, जिससे भारत की कनेक्टिविटी सीधे चीन बॉर्डर तक सबसे कम समय में सुनिश्चित की जा सकेगी। वहीं पर इस योजना के तहत भारतीय रेलवे उत्तर पूर्वी राज्यों में अपने ट्रैक्स और नेटवर्क का विस्तार करते हुए सभी राज्यों की राजधानी को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। साथ ही भारत अपने रेलवे का विस्तार करके भूटान को भी कनेक्ट करने वाला है, और इस नए विस्तार के तहत चीन बॉर्डर तक सीधे रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे, जिससे भारत की पकड़ चीनी बॉर्डर तक सीधे हो पाएगी। वहीं जरूरत पड़ती है तो भारत अपने सैनिकों और जरूरी उपकरणों को सबसे कम समय में सीधे चीन बॉर्डर तक पहुंचा सकेगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश से सटी चीन की सीमा तक भारत की पकड़ को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा और हमें किसी भी हालात में लॉजिस्टिक को लेकर चीन के खिलाफ एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की इस योजना पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।